आपके घर में कितने चार्जर हैं? क्या आपने कभी इनकी गिनती की है? स्मार्टफोन के लिए अलग, लैपटॉप के लिए अलग, टैबलेट के लिए अलग, ईयरफोन और स्मार्ट वॉच के लिए अलग, इसके अलावा दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलग से। अगर आप सारे चार्जर्स हाथ में लेकर तोलें तो उनका वजन किलो में हो सकता है, लेकिन अब सारे उपकरणों को चार्ज करने के लिए एक ही चार्जर होगा। गैजेट्स के चार्जर को लेकर भारत सरकार का बड़ा प्लान है। भारत सरकार का मोबाइल और वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए दो कॉमन चार्जिंग पोर्ट पेश करने की योजना है। इनमें से एक मोबाइल, स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए यूएसबी टाइप सी पोर्ट होगा। दूसरा वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए कॉमन पोर्ट भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और चार्जर बनाने के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड जारी किए हैं। मोबाइल और लैपटॉप के लिए सी टाइप चार्जर की समय सीमा 31 मार्च 2025 तय की गई है। खबरों की माने तो यूएसबी टाइप सी चार्जर को अपनाने के लिए मोबाइल और लैपटॉप कंपनियां मान गई हैं। इसके बाद ही BIS ने क्वालिटी स्टैंडर्ड जारी किए हैं। वहीं IIT कानपुर में वॉच जैसे वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट की स्टडी की जा रही है। IIT कानपुर की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स से चर्चा करेगी। इससे पहले यूरोपियन यूनियन ने USB-C टाइप चार्जर्स को सभी डिवाइसेस के लिए ज़रूरी बना दिया था। 2024 के आखिर तक यूरोप में मोबाइल और लैपटॉप के लिए सी टाइप का चार्जर ही मिलेगा। वैसे सी टाइप यूएसबी के अपने फायदे हैं। चार्जिंग तेजी से होती है, डेटा भी तेजी से ट्रांसफर होता है, केबल दोनों तरफ से काम करती है। इसके अलावा कई उपकरणों का एक चार्जर होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे ई वेस्ट कम होगा। इससे पर्यावरण को जहरीले केमिकल से राहत मिलेगी। एक स्टडी के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के देशों में एक घर में औसतन चार चार्जर होते हैं। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। इन देशों में 45 करोड़ से ज्यादा आबादी रहती है। ऐसे में एक यूनिवर्सल चार्जर आने से बड़ी मात्रा में ई वेस्ट में कमी आएगी। यूरोपियन संघ का मानना है कि कंज्यूमर चार्जर खरीद पर हर साल 250 मिलियन यूरो यानी 2075 करोड़ रुपये तक की बचत कर पाएंगे। एक जैसे चार्जर मिलेंगे तो करीब 11,000 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी कम हो सकता है। एंड्रॉइड इकोसिस्टम धीरे धीरे यूएसबी टाइप सी इकोसिस्टम की ओर बढ़ रहा है। करीब सभी नए स्मार्टफोन को चार्ज करने और कनेक्टिविटी के लिए ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं। हालांकि एप्पल अभी भी डिवाइसेस लाइटनिंग पोर्ट के साथ दे रहा है। कंपनी iPhone 15 Pro सीरीज में USB Type-C चार्जिंग पोर्ट की योजना बना रही है।